पहला पैसा का हेरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का हेरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का हेरा फेरी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला। फिर हेरा फेरी। फाइनली अक्षय कुमार के फैंस के लिए इंतजार हुआ खत्म। हेरा फेरी 3 से हुआ बड़ा धमाका। अक्षय कुमार का साल 2022 काफी बुरा रहा था। साल 2019 अक्षय कुमार के लिए ऐसा था जब उन्होंने 4 फिल्में एक ही साल में हिट दी थी, जबकि साल 2022-19 से काफी उल्टा रहा। जी हाँ, साल 2022 में अक्षय की एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई और बॉक्स ऑफिस पर सारी फिल्में फ्लॉप हुई। सोशल मीडिया पर दूसरे स्टार्स के फैन तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि अक्षय कुमार का करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन उन सबको कौन समझाएगा कि अक्षय खिलाड़ी कुमार है और उनको ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता। अक्षय का नेक्स्ट मूव क्या रहता है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। अक्षय को जो अच्छी फिल्में लगती है उसकी शूटिंग वो तुरंत ही कर देते हैं। और फाइनली अक्षय ने वो फिल्म की शुरुआत की है जिसका इंतजार उनके फैंस कई सालों से कर रहे थे, और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि हम सब की फेवरेट हेरा फेरी फिल्म का तीसरी किस्त हेरा फेरी 3 है। हेरा फेरी 3 फिल्मों को लेकर पिछले काफी सालों से चर्चे हो रहे हैं। ये फिल्म की स्क्रिप्ट पर न जाने कितने सालों काम किया गया है और अब फाइनल जाके ये फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक कि आज से मुंबई में हेरा फेरी 3 फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हेरा फेरी 3 फिल्म की शूटिंग आज से यानी कि 21 फरवरी से मुंबई में शुरू हो चुकी है। तो अब आपको जो शिकायत थी कि हेरा फेरी 3 फिल्मों को लेकर आए दिन अपडेट आती रहती है, ना तो ये फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है ना ये फिल्म से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन न्यूज आती है, तो अब सारी शिकायतों के फाइनली मेकर्स ने जवाब दे दिया है, वो भी सीधा हेरा फेरी 3 फिल्म की शूटिंग शुरू करके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार होंगे या नहीं। तो इसकी न्यूज तो हमने आपको प्रीवियस न्यूज में ही दे दी थी कि हेरा फेरी 3 फिल्म को पहले अक्षय कुमार ने साफ मना कर दिया था, बताया था कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर है। फिर क्या, फिर मेकर्स ने ये फिल्म की स्क्रिप्ट पर कामकाज किया, अक्षय कुमार को पसंद आए ऐसी स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट तैयार किया और फाइनली अक्षय कुमार को ये फिल्म में ले लिया है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज है। फिलहाल दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है हेरा फेरी 3 फिल्मों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।